दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1 मई 2024 के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों बुधवार का दिन होगा 1 मई को। इस दिन 24 घंटे का शुभ समय, अशुभ समय और दिशा सोल, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई भी शुभ काम परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हों, चाहे वाहन खरीदने जा रहे हों, या कोई चीज़ देखने जा रहे हों, मुंडन का समय हो, कोई नई पूजा शुरू कर रहे हों, नया घर ले रहे हैं लेने जा रहे हों, किसी भी नई चीज़ का मन बना रहे हों, तो घर से जब निकलें तो उसके हिसाब से ये चार्ट को देख के, इस चार्ट को डाउनलोड करके अपना टाइम पूरे 24 घंटे का सेट कर सकते हैं, ताकि आपका दिन मंगलमय हो जाए, दिन शुभ हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। दोस्तों महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल, शून्य काल, राहु काल, ये पांच काल हो गए। इन पांच काल में राहु काल और शून्य काल निकृष्ट काल है, इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। वक्र काल में काम बहुत मजबूरी हो तो वक्र काल में काम शुरू करें, क्योंकि वक्र काल में काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद में, तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी काम न करना पड़े। महेंद्र काल और अमृत काल में किसी भी काम, किसी भी समय आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों काल शुभ शुभ काल हैं। इसमें कोई भी समय आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप युवा और प्रौढ़ का जो समय है महेंद्र काल में और अमृत काल में, उसको उसको चूज करें, उसको उस सेगमेंट में काम करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों महेंद्र काल 12 बजे दिन से लेकर 1:30 बजे दिन तक है, और पूरे दिन का ये चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक का। इस चार्ट को डाउनलोड कर लें और अपने दिन का टाइम टेबल को सेट करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन होगा 1 मई को। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। अगर सुबेरे 6 बजे से जाके दूसरे अगले दिन सुबेरे 6 बजे से पहले आप आ जाते हैं, तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। अगर नहीं आ पाते हैं और आप जो है कहीं जाके कई महीने बाद आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, तो घर से तिल और धनिया खाने के बाद ही निकलें, तो दिशाशूल का दोष खत्म हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपका दिन शुभ होगा, आप इस चार्ट का उपयोग करेंगे, और कोई भी शुभ काम, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो मकान का हो, दुकान का हो, कोई भी शुभ काम, एग्जाम देने का हो, कभी भी घर से जब निकले तो इस चार्ट को देख के निकले, दोस्तों आपका आपका जो है काम सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आशा कर वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।